हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अनियन हेयर सीरम आप घर पे कैसे बना सकते हैं। अनियन में ऐसी चीज़ें पाई गई हैं जिससे हमारे स्कैल्प से फंगस, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन की जो समस्या है वो दूर होती है। और अगर हमारा स्कैल्प हेल्दी रहेगा तो जो बालों का टूटना, बालों का झड़ना और बालों का अच्छे से ग्रो नहीं होना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो हेयर सीरम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज। तो हमें प्याज का पेस्ट बनाना है, जिसके लिए आप चाहे तो इसे अच्छे से घिस के इसका पेस्ट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसके पीस कट करके इसको मिक्सी में पीस लूँगी और इसके छिलके को भी आपको इसमें यूज़ करना है, उसे बिल्कुल ना फेंके। तो मैंने इसके पेस्ट बना लिया है। अब हम एक स्ट्रेनर की मदद से इसके जूस को निकाल लेंगे जो कि हम अपने हेयर सीरम में इस्तेमाल करने वाले हैं। प्याज का रस बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें डालूंगी विटामिन ई ऑयल। मैं यहाँ पे प्योर विटामिन ई का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं डालूंगी एक चम्मच। आप इसकी जगह जो ग्रीन वाली इवियन कैप्सूल होती है उसमें से जेल निकाल के पूरा एक चम्मच इसमें ऐड कर दीजिएगा। इससे बाल बहुत अच्छे से बढ़ते हैं और स्कैल्प भी काफ़ी हेल्दी रहता है। इसके बाद मैं डालूंगी कैस्टर ऑयल एक चम्मच। ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप इसे ज़रूर इंक्लूड करिए सीरम में। अब आखिर में मैं डालूंगी एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पे आयुष का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। मैं डालूंगी दो चम्मच भर के। अगर आपके पास ये ना हो तो आप फ्रेश एलोवेरा जेल बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अब हम सारी चीज़ों का अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के लिए मैंने इसे फिर से ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, जिससे कि ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल क्रीम की तरह लग रही है, लेकिन ये थोड़ा सा पतला लग रहा है मुझे, इसलिए मैं इसमें एक चम्मच और एलोवेरा जेल डालूँगी, जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। और इसे फिर से एक बार मिक्स करने के बाद फाइनली हमारा अनियन हेयर सीरम बिल्कुल रेडी है। इसे इस्तेमाल करना काफ़ी सिंपल है। अपने स्कैल्प पे से लगाइएगा, बालों पे बिल्कुल ना लगाएं। स्कैल्प पे लगाने के बाद 5 मिनट के आप इसे मसाज दें, उसके बाद 1 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। 1 घंटे बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धो लीजिएगा। इसे हफ्ते में 2 बार यूज़ करिए अच्छे रिजल्ट के लिए। 2 बार में ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर डैंड्रफ हो तो वो चला जाएगा और बाल भी हेल्दी दिखेंगे। स्टोर करने के लिए किसी भी एयरटाइट कंटेनर में आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में। तो फिर ये थी मेरी आज की रेमेडी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में दबाइएगा बेल आइकन, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।